नागपुर में महानगर पालिका का एड्स जागरूकता से जुड़ा विवादित कार्यक्रम आखिरकार संपन्न हो चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट की शर्तों के मुताबिक एड्स जागरूकता कार्यक्रम के कुछ देर बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और बीजेपी की सत्ता वाले नगर निगम का ये दावा है कि हनुमान चालीसा के पाठ से उसने कोई नाता नहीं रखा, लेकिन विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि क्या हनुमान चालीसा से मिटेगा एड्स। हनुमान चालीसा का पाठ और झूमते लोग, लेकिन ये किसी सत्संग का हिस्सा नहीं है। ये लोग तो स्वास्थ्य जागरूकता मिशन के तहत यहाँ जमा है। नागपुर महानगर पालिका ने एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखी पहल की भूमिका बनाई, लेकिन आयोजन से पहले ही वो विवादों में घिर गई। मजबूरन सेहत और सत्संग को अलग अलग ही करना पड़ा। पहले लोगों को एड्स के प्रति जागरूक रहने की शपथ दिलाई गई। याद्वारे गंभीरपणे शपथ घेतो की या देशाचा युवक या नात्याने सामंजस्यपणे मी स्वतःचे हे जाणून अभिवचन देतो। इसके बाद महानगर पालिका ने अपना कार्यक्रम समाप्त होने का ऐलान कर दिया। यह कार्यक्रम पालिका का यही प्रसंग है। इसके कुछ देर बाद शुरू हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। दरअसल महानगर पालिका के स्वास्थ्य जागरूकता मिशन को हनुमान चालीसा के साथ जोड़ने की पहल के खिलाफ अदालत में अर्जी दायर हुई, जिसकी सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाया था कि क्या ये देश सिर्फ हिंदुओं का है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पूछा कि अगर जागरूकता के लिए भीड़ ही जुटाना है तो बाइबल, कुरान आदि धार्मिक ग्रंथों का पाठ क्यों शामिल नहीं किया जा रहा। कोर्ट की फटकार के बाद महानगर पालिका ने फौरन खुद को हनुमान चालीसा कार्यक्रम से अलग किया। बीजेपी की सत्ता वाली महानगर पालिका ने एड्स के प्रति जागरूकता का अपना कार्यक्रम और हनुमान चालीसा पाठ को अलग अलग करा तो दिया, लेकिन विपक्ष को इसमें दिख रही है भगवा एजेंडे की मिलावट, जबकि हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को छोड़कर क्या नागपुर में सत्ता पक्ष और विपक्ष सिर्फ धार्मिक मुद्दे पर ही सियासत चमकाएगा। कौशल पांडे, नागपुर आज तक। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में। सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी है? But then I decided to use the public transport and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fine.